हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी बालूशाही की रेसिपी शेयर करेंगे। बिल्कुल रसीली रस भरी आपको बालूशाही मिलेगी। एक कप लिया है मैदा, उसमें लिया है घी। घी को अच्छे से मोइन करना है, मोइन इतना डालना है कि जब हम उसको मुट्ठी बांधे तो मुट्ठी बनने लग जाए। अच्छे से इस तरह से इसको कण कण में घी चला जाए, इस तरह से इसको मोइन लगाना है। थोड़ा सा टाइम लगता है मोइन करने में। अच्छे से उसमें पूरे में दोनों हाथों से करके मिक्स कर देंगे। थोड़ा घी मैं इसमें और ले रही हूँ। और ये लिया 5 चम्मच दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, नॉर्मल जो दही है, फ्रेश दही लिया है मैंने। इसको अच्छे से इसको बाइंड कर लेंगे, पूरे आटे में मिक्स कर देंगे। येलो फूड कलर लाइट, उसमें लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी से इसका आटा लगाएंगे। 4 पिंच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, 1, 2 और 3 और ये 4। 4 पिंच बेकिंग सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं डाला मैंने इसमें। और इसको मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। आटे को नहीं गूंदना है, बस इसको बाइंड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको बाइंड करना है। ना तो ये ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा टाइट बनाना है। तो इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इकट्ठा कर देंगे। इसको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आप चाहो तो इसको साथ साथ ही बना सकते हैं। ये देखो, इस तरह का फटाफट आटा होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। डिटेल आप पूरी रेसिपी देखें तो भी आपकी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैंने सारा इकट्ठा कर दिया, अब चाशनी बना लेते हैं। ये मैंने इसमें 2 गिलास चीनी ले ली है और 1 गिलास पानी डालूंगी। जितना चीनी लेना है उसका आधा पानी लेना है और उसमें इलायची को कूट के डाल दिया है। इस तरह से आटे का पेड़ा लेंगे और गोल कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, रफली ही इसको रोल करना है और इस तरह से उंगली से इसमें होल कर देंगे। होल इसमें इसलिए किया जाता है ताकि वो अच्छे से सिक जाए, अंदर से भी कच्ची ना रहे और आपको अच्छे से रिजल्ट मिले इसका। और ये फूलेगी तब इसमें चाशनी जाएगी अंदर। तो सारे पेड़े हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं बालूशाही के। हाथों से ऐसे रफली रोल करना है और बीच में इस तरह से फिंगर से होल कर देना है। फटाफट बन जाती है। 1 कप मैदा से 1 किलो के बराबर बालूशाही बन के तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। मैं इसको अब ऑयल में डाल देती हूँ। ऑयल गर्म था क्योंकि मैंने अभी इसमें गुजिया फ्राई करी थी, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब ये सारे इसमें डाल देंगे और डालने के बाद जब ये फूल के ऊपर आ जाएंगी तभी हमने इसको पलटना है। इससे पहले इसको बिल्कुल भी नहीं पलटना। गैस को मैंने बंद कर रखा है। जब मैं सारी इसमें डाल दूंगी तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये अच्छे से इनको फूलने का टाइम मिलेगा। अगर आप ज़्यादा हाई में डाल देंगे तो वो इतना नहीं फूलेंगी और बिल्कुल आपकी खस्ता नहीं बनेंगी, ना ही वो क्रिस्पी बनेंगी और वो चाशनी भी नहीं सोखेंगी अगर आपने हाई फ्लेम पर इन्होंने सेका। तो मैंने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे सेका है, उलटते पलटते हुए सब में एक जैसा प्यारा सा कलर आ गया है। 8 से 10 मिनट लग जाती है एक बैच को सेकने में। अब ये चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी ठंडी होगी थी और ये बालूशाही है गर्म, तो सारे इसमें डाल देंगे। अगर ज़्यादा मीठी आपको चाहिए तो इसमें डिप करके छोड़ दें। अगर आपको कम मीठे वाली चाहिए तो डिप करें और 2-3 मिनट बाद ही इनको निकाल लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अच्छे से इसको ऊपर नीचे कर दें ताकि सब में चाशनी मिल जाए। अब मैं इसको 5 मिनट इसमें ऐसे ही छोड़ूंगी, फिर मैं इसको निकालूंगी कि चाशनी इसमें अंदर तक जाए। बहुत ही खस्ता और टेस्टी बालूशाही बनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है अगली बढ़िया सी रेसिपी में, जब तक के लिए बाय।